आज का हमारा लेसन है फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि अगर हमें एक फ्रैक्शन दी हुई हो और कहा हो कि इसकी फ्रैक्शन निकालें तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये हम एक रूल है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा ना, समथिंग ऑफ समथिंग, तो यानी 1/3 ऑफ 9/5, तो ऑफ की को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। यानी क्या करेंगे हम, 1/3 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 9/5, फिर हम इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों जो है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, तो क्या आंसर आया, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और नीचे 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5। ठीक है, सिंपल सा इसका ट्रिक है कि हम वो करते हैं, बस ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा और 35/8। अभी हमने देखा कि ये दोनों जो है ना 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 5, 5 7 35, और ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1 7 और 1 4 था, तो विच इज़ इक्वल टू 7/4। ठीक है, सिंपल, बस उसको अब ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन वो कैसे करते हैं कि पहले ना इसको नॉर्मल फॉर्म में फ्रैक्शन की लिखते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और 1/3 उसी तरह आ गया। इनको ऐड करें तो 3/2 इंटू 1/3 आ जाएगा। ये यानी ऑफ को मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होती है ना, सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा ये ऊपर 3 है और एक नीचे 3 है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, 1/1, यानी इसको हम लिखें ना 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 तो भी ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, यानी ऊपर से 1 और नीचे। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा लेसन जिसमें हमने देखा कि अगर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।